बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश 505 का लेक्चर नंबर 14। इसके हेडिंग है क्वेश्चंस इनपुट हाइपोथेसिस अब मॉनिटर मॉडल पार्ट टू, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। इसके मॉडल का नाम भी दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हाइपोथेसिस के बारे में भी हमने पीछे देख लिया था वो क्या होते हैं, और अब हमारे पास आ जाता है एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग हाइपोथेसिस। अब हमारे पास एक्विजिशन क्या होती है और लर्निंग हाइपोथेसिस क्या होती है। अब एक्विजिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो चीज़ें हम खुद से सीख रहे होते हैं, खुद से अपने अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, वो चीज़ होती है हमारे पास एक्विजिशन। एक्विजिशन का प्रोसेस जो होता है वो आपका बर्थ से ज़्यादा आपका जो है वो एक्विजिशन का अमल हो रहा होता है, ठीक है। बाकी लाइफ के साथ साथ ये प्रोसेस चलता रहता है, बट आप जब बर्थ से 1-2 ईयर्स तक, बर्थ से 5 ईयर्स तक जो होते हैं वो आपके एक मुकम्मल आपका एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन वाज द फर्स्ट वन टू एस्टेब्लिश द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। ये क्वेश्चन था जिसने फ़र्क बयान किया, ये क्वेश्चन था जिसने फ़र्क बयान किया था एक्विजिशन के दरमियान और लर्निंग के दरमियान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टिंक्शन इनके जो है वो फ़र्क के मुताबिक, द अक्वायर सिस्टम अक्वायर्ड या एक्विजिशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सबकॉन्शियस प्रोसेस एंड द लर्नर सिस्टम। इनके मुताबिक जो भी आपका अक्वायर्ड सिस्टम होता है, कोई चीज़ अक्वायर करते हैं आप, हासिल करते हैं, वो आपका एक प्रोडक्ट होता है सबकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। सबकॉन्शियस प्रोसेस का आपका एक प्रोडक्ट होता है जिससे आप और आपका लर्नर सिस्टम होता है, मतलब इससे आप चीज़ें सीख भी रहे होते हैं और ये आपके सब कॉन्शियसली आपको जो है वो प्रोवाइड होती रहती हैं, आपके अंदर डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। और ये लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अब लर्निंग जो होती है वो आपकी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती है। लर्निंग जो है आपको कोई सिखा रहा होता है, लर्न करवा रहा होता है, आप बुक से लर्न कर रहे होते हैं। लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना वो आपका वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, आप उसमें वो वक्त वेरी पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी भी करता रहता है लर्निंग प्रोसेस जो होता है। और इसके लिए आपको कोई लर्न करवा रहा होता है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स लर्न कर रहे होते हैं, लर्निंग प्रोसेस उनका हो रहा होता है, या आप बुक से कुछ चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस में आएगा। लेकिन एक्विजिशन में जो होता है वो आप जो है आपका एक लर्न सिस्टम तो बन रहा होता है, क्योंकि आप बचपन में हर चीज़ सीख रहे होते हैं, बोलना सीख रहे होते हैं तो, और ख़ुद से चीज़ें बनाना सीख रहे होते हैं, जैसे कोई भी वर्ड्स है उसको खुद से बोलना सीख रहे होते हैं, तो वो होती है एक्विजिशन, ठीक है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर टू सबकॉन्शियस लर्निंग एंड इन्वॉल्व्स इंट्यूशन, ठीक है। ये इंट्यूशन होता है, मतलब अचानक से आपको हर चीज़ वो अचानक से कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है, कोई आप जैसे एक चाइल्ड है वो अचानक से कोई ऐसा वर्ड बोल लेता है जिसको आप बहुत सुन के हैरानगी होती है कि इसने बोली है, तो वो जो होता है वो आपके एक एक्विजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है आपका, ठीक है। और इस लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन द लैंग्वेज एंड इट्स रिटर्न फॉर्म। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, आपकी एक फोकस की जाता है एक लैंग्वेज के ऊपर, जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं आप, और उसकी रिटर्न फॉर्म पर वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप सिंधी आप सीखना चाह रहे हैं तो सिंधी में आपका एक तो सिंधी लैंग्वेज पे आपको बिल्कुल फोकस होगा ऊपर उसको सीखने में, और दूसरा उसको आप वो कैसे लिखा जाते हैं वर्ड्स, उन पे आपका फोकस होगा। तो ये होती है लर्निंग एंड इट्स ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। वही बात है कि इसमें आपको रूल्स भी अंडरस्टैंड करने होते हैं, उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है, और उसका ग्रामर जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको उसके रूल्स लाजमी इस लैंग्वेज के याद रखने होते हैं। द फॉर्म ऑफ ग्रेटर इंपोर्टेंस दैन कम्युनिकेशन क्रिटिसिज्म ऑफ डिफरेंट रिसर्चेज, डिफरेंट रिसर्चेज के डिफरेंट जो है वो फ़र्क दिए गए थे एमसी 1984 में। इन्होंने बताया था कि इनका यकीन ये था कि सम रूल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, कुछ जो भी रूल्स होते हैं उनको आप एक्वायर करते हैं लर्निंग के थ्रू,
ठीक है, इनका ये भी था, मतलब मुख्तलिफ जो भी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आते रहे हैं उनका मुख्तलिफ नज़रिए थे इस चीज़ के बारे में। और उनमें से एक ग्रीक का मानना यह था कि जो भी आपके रूल्स होते हैं वो आप एक्वायर करते हैं अपनी लर्निंग से, जितना आप लर्न करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रूल्स वगैरह उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। अब है द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस एंड द इनपुट हाइपोथेसिस। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस रेफर टू द नोशन दैट देयर इज़ अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। ये आपका जो होता है वो नेचुरल ऑर्डर होता है एक्विजिशन का, ठीक है। एक आपका नेचुरली ऑर्डर होता है, कोई भी चीज़ सीखने का नेचुरली प्रोसेस जो होता है वो आपका होता है नेचुरल ऑर्डर एक्विजिशन प्रोसेस। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर सेट सिक्वेंस विच इज़ प्रिडिक्टेबल। ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ का। जैसे सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा पास एक नेचुरली एक्विजिशन भी आ जाता है अगर आपको पता है, ठीक है। मतलब इसका सीक्वेंस भी यही रहेगा, सीक्वेंस इसका चेंज नहीं होगा। अब द ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन इन द फर्स्ट लैंग्वेज इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड लैंग्वेजेस। अब जो आपका एक्विजिशन होती है उसमें लैंग्वेज जो होती है, जो ऑर्डर होता है एक्विजिशन का, जो भी ऑर्डर होता है वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज में डिफरेंट होता है और सेकंड लैंग्वेज में भी डिफरेंट होता है। इट आर्ग्यूज दैट एक्सप्लिट इंस्ट्रक्शन फॉर लर्निंग एंड द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ कैन नॉट चेंज द नेचुरल ऑर्डर। अब आप जो है वो चाहे एक्सप्लिट लर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, वो उससे आपका जो भी नेचुरल ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। नेचुरल ऑर्डर वैसे ही रहता है जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, ये आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। और लैंग्वेज में जो चेंज आता है वो आपकी एक प्रोनाउंसिएशन का चेंज आता है, ठीक है, और इसके अलावा आपकी वहाँ के रूल्स का चेंज आता है कि वहाँ के लैंग्वेज को सीखने के क्या रूल्स हैं, तो उनमें चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन इसमें नेचुरली ऑर्डर जो होता है उनमें चेंजेस नहीं आती, ठीक है। क्रेशन थ्योरी ऑफ इनपुट हाइपोथेसिस एडवोकेटेड द एक्विजिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज हाईली डिपेंडेंट ऑन द लर्नर्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इनपुट। आपका इस इनपुट हाइपोथेसिस में होता है कि आपको जो भी एक्विजिशन का अमल हो रहा है सेकंड लैंग्वेज के अंदर, जो भी सेकंड लैंग्वेज के अंदर आप सीख रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका जो होता है वो डिपेंड करती है आपका पहले नॉलेज होते हैं आपके पास, जो भी आपके पास इनपुट कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज होता है ना उस पे आपका डिपेंड कर रही होती है। मतलब उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, आप उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं सीखने में, कितने अच्छे से सीख रहे हैं, कितना ध्यान है आपका, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। और उसमें ये चीज़ आ जाती है इसमें, आर ही स्क्वेस्ट द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के लिए। जो आए हुए आपको बहुत सारी टेक्निक्स दी गई हैं, जैसे यूज़ एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, आप एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे हाथ के लाना फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं आपके, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड थिंकिंग टाइम, आप थिंकिंग टाइम को प्रोवाइड करते हैं, पास बिटवीन फ्रेजेस, ठीक है, और शॉर्टर सेंटेंसेस बनाते हैं, स्ट्रेस हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स आते हैं जिसमें स्ट्रेस आपको लगाना होता है, स्ट्रेस देना होता है, वो वैसे वर्ड्स आप सीख रहे होते हैं, रिपीट वोकैबुलरी कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल के ही आप जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, इसमें जो है वो इनकी डेफिनेशन से थोड़ी थोड़ी, ये तो आपको लाजमी तैयार होना चाहिए, और उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, दूसरे फायदा उसके मदद दे जाए।